हेलो दोस्तों, मैं अंकित शर्मा आज अपने चैनल अंकुर टिप्स एंड ट्रिक्स पे लेके आया हूँ दोस्तों ये तीन ब्लूटूथ डिवाइस। दोस्तों यहाँ पर हमारे पास है वन प्लस बुलेट वायरलेस जेड, देन हमारे पास है मीवी कॉलर 5.0, देन है बोल्ट ऑडियो कर्व। तो चलिए दोस्तों, मैंने इनको इनकी पैकिंग से बाहर निकाल लिया ताकि आपका टाइम कंज्यूम ना हो। दोस्तों इसके लिए मैंने प्रीवियसली भी एक इनका डिटेल वीडियो बनाया हुआ है इनकी अनबॉक्सिंग का, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो मैं आपको बेल आइकन में ऊपर प्रोवाइड करवा दूंगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों मेरे पास काफ़ी लोगों के मैसेज आए थे कि प्लीज़ आप बताइए कि इनका ऑडियो कैसा है, इनका फिजिकल ओवरव्यू कैसा है, बटन्स का टेक्सचर कैसा है। तो चलिए हम उसी के बारे में बात कर लेते हैं। मैं इनको 10 दिन से कंटिन्यूस यूज़ कर रहा हूँ, अब मैं आपको इनका ऑडियो कंपैरिजन बता देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं वन प्लस बुलेट वायरलेस जेड, तो चलिए इनको साइड कर देते हैं। चलिए मैं इसको बाहर निकालता हूँ। तो दोस्तों ये कुछ इस तरीके की फिजिकल अपीयरेंस के साथ आता है। अब मैं सबसे पहले इनका आपको बटन कंपैरिजन करके दिखा देता हूँ कि इनकी बटन की कन्वीनियंसी कैसी है। तो दोस्तों जो यहाँ पर ये वन प्लस का जो बटन है ये बॉडी से थोड़ा सा बाहर है, ताकि अगर आपको कभी बटन दबाना हो तो आपको फ़ील करना पड़ेगा, इतना ज़्यादा नहीं बट आपको थोड़ा फील करना पड़ेगा कि वो बटन कहाँ पर है। तो इसी के साथ अगर मैं आपको कंपैरिजन करके दिखाना चाहूँ मीवी कॉलर का, तो ये देखिए दोस्तों इसके जो बटन है वो बहुत ईजीली बाहर है, आप बड़ी आसानी से उनको फील कर सकते हैं, आप आसानी से वॉल्यूम चेंज कर सकते हैं, तो बहुत आसानी से आपको बटन्स फील हो जाएंगे। दोस्तों मैं आपको क्लोजअप दिखाता हूँ इसका, ये बटन्स का आप देखिए दोस्तों इतना बॉडी से बटन बाहर है। चलिए अब इसको साइड करते हैं। देन हम अगर बात कर ले दोस्तों यहाँ पर बोल्ट ऑडियो कर्व की, तो जो इसके बटन्स है दोस्तों वो भी बॉडी के साथ बिल्कुल फ्लैट हैं। अगर आपको पावर ऑन ऑफ करना होगा या वॉल्यूम प्लस माइनस करनी होगी तो आपको एक बारी को उस बटन को फील करना होगा। तो चलिए अब इसको साइड करते हैं। तो ये तो बात हो गई दोस्तों इनके फिजिकल ओवरव्यू की, इनके बटन्स के रिगार्डिंग। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों इनकी कन्वीनियंसी की, चार्जिंग कन्वीनियंसी कैसी है। तो दोस्तों यहाँ पर चार्जिंग कन्वीनियंसी की हम बात करें तो ये आता है टाइप सी के साथ हमारा वन प्लस। दोस्तों इसमें कोई फ्लैप नहीं है इसको कवर करने के लिए, तो ये बहुत आसान तरीका है इसको टाइप सी से कनेक्ट करने का। जैसे मैं आपको कनेक्ट करके दिखा देता हूँ, ये देखिए आपको करना कुछ नहीं है, बस दोस्तों सीधा इसको कनेक्टिव कर देना है इसके साथ। ये देखिए दोस्तों ये इसका टाइप सी है। देन हम कनेक्टिविटी की बात कर ले तो हमारे साथ अब आता है यहाँ पर मीवी कॉलर। तो ये देखिए आपको इसका फ्लैप रिमूव करना होगा, देन आपको इसके साथ कनेक्ट करना होगा। उसी के साथ हम चार्जिंग कनेक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पर इसके नीचे यहाँ पर बोल्ट के अंदर नीचे की तरफ आता है, आपको कनेक्टर निकालना होगा। देन यहाँ पर ये थोड़ा हैक्टिक लगता है दोस्तों, क्योंकि इसको पूरा एडजस्ट करके लगाना पड़ता है। तो इस मामले में अगर मैं रेटिंग दूँ तो मुझे सबसे अच्छा लगा वन प्लस, इसके अंदर आप सीधा प्लग इन करो और आपका डिवाइस चार्ज। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इनकी वायर एडजस्टमेंट की। तो दोस्तों जो हमारा वन प्लस है ये किसी भी वायर एडजस्टमेंट के साथ नहीं आता, आप देख पाएँ तो इस मामले में मीवी का आप देख पाएँ तो यहाँ पर इसके वायर एडजस्टर, आप इसकी लेंथ को एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, किसी भी लेंथ पर आप इसको ले सकते हैं। उसी के साथ दोस्तों हमारे पास बोल्ट ऑडियो कर, इसमें भी आप आराम से इसकी वायर को एडजस्ट कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा है दोस्तों वायर एडजस्ट के मामले में, क्योंकि यहाँ पर ये फ्लैप है ये इसके साथ साथ इसकी शेप ले लेता है, इस सॉकेट के अंदर ये फंस जाता है, तो इसमें टैंगल्स होने के चांसेस काफ़ी कम है। तो चलिए दोस्तों ये तो हमारे हो गए तीनों प्रोडक्ट, जिसमें हमने इनकी बात कर ली फिजिकल ओवरव्यू की, इनके चार्जिंग टाइप की, देन इनकी वायर एडजस्टमेंट की। तो दोस्तों अब हम बात करें यहाँ पर मीवी की, तो इसमें मुझे एक चीज़ काफ़ी अच्छी लगी दोस्तों कि आप इसके फ्लैप में आप इसको डायरेक्टली माउंट कर सकते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक है। ये देखिए ये मैग्नेटिक है, मैग्नेट काफ़ी अच्छा है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि बाहर निकलता हो, मैं देखिए जर्क देता हूँ इसमें ये बाहर नहीं निकलेगा। ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी दोस्तों, क्योंकि अगर आपको कॉल पर बात करनी है तो आप एक को माउंट कर दीजिए इसके अंदर, ये देखिए ये बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। तो ये चीज़ मुझे इसकी काफ़ी अच्छी लगी, जो कि इन दोनों में एब्सेंट है। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इसकी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी की, तो मैं आपको तीनों की ही कनेक्टिविटी और इसका टाइम दिखाऊंगा। दोस्तों सबसे अच्छा ओवरऑल मुझे लगा वन प्लस कनेक्टिविटी में, क्योंकि आपको करना क्या है, जस्ट इसको डिमाउंट करना है और ये देखिए हमारा ये ऑन हो चुका है, और जब हम इसको ऑफ़ करना हो तो जस्ट हमें इसको यहाँ पर ये करना है, ये देखिए रेड लाइट ब्लिंक किया और ये ऑफ हो गया। तो इस मामले में दोस्तों इसकी कनेक्टिविटी काफ़ी कन्वीनियंट है। चलिए मैं इसके मैग्नेट्स को दूर करता हूँ, ये हमारा ऑन हो चुका है। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको इसकी ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी करके दिखाऊँ। यहाँ से दोस्तों जब आप इसको सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर ये ओपी हैंडसेट करके मिलेगा, मैंने इसको ऑलरेडी कनेक्ट किया हुआ है, ये देखिए ओपी हैंडसेट, आपको इस पर क्लिक करना है। और ये देखिए दोस्तों जैसे ही आप ओपी हैंडसेट पर क्लिक करेंगे आपको वन प्लस बुलेट वायरलेस जेड के नाम से कनेक्ट हो जाएगा।
तो आप यहाँ पर बैटरी परसेंटेज देख पा रहे हैं। तो दोस्तों ये थी इसकी कनेक्टिविटी। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर मीवी की। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने इसको दबा के रखा, ये देखिए दोस्तों आपको कुछ इस तरीके की वाइब्रेशंस मिलेगी। यहाँ पर ये लाइट ब्लिंक करने लग जाएंगी, यानी कि अभी पेयरिंग मोड में है। तो चलिए अब मैं इसको कनेक्ट करता हूँ अपने फ़ोन से। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा मीवी कॉलर सर्चेबल में आ चुका है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर पेयरिंग का आ चुका है। ये देखिए दोस्तों, कनेक्ट होते ही अनाउंस करेगा। तो चलिए दोस्तों, ये हमारे जो मीवी ब्लूटूथ कॉलर है इसकी कनेक्टिविटी थी। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बोल्ट कर्व की। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसकी लाइट ब्लिंक कर रही है। चलिए अब हम इसको कनेक्ट करवाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा जो वोल्ट ऑडियो कर्व है वो कनेक्ट हो चुका है, अगर आप क्लियरली देख पाएँ। तो चलिए दोस्तों, अब मैं इनका आपको ऑडियो सुना देता हूँ कि इनका ऑडियो कैसा है। हम पहले वन प्लस का ऑडियो चेक करते हैं। ये हमारा वन प्लस से स्विच हो चुका है, ये कनेक्ट हो चुका है। अब मैं आपको इसके अंदर सॉन्ग प्ले करके दिखाता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैंने सॉन्ग निकाल लिया है। मैं यहाँ पर अब इसका आपको बेस चेक करवाता हूँ। मैं इसके बिल्कुल पास ले जाता हूँ, आपको सुनाता हूँ कि इसका बेस कैसा है और इसकी ऑडियो क्लियरेंस कैसी है। मैं अपना माइक इसके पास रखता हूँ। दोस्तों ये भी हमारा फुल वॉल्यूम पे, तो अब मैं इसको इसकी मिड वॉल्यूम पे करता हूँ। तो दोस्तों हमने अब इसका ऑडियो सुन लिया है। अब हम सुनते हैं ऑडियो मीवी का। मैंने इसको ब्लूटूथ के साथ पेयर करवा लिया है। चलिए अब सॉन्ग प्ले करते हैं। तो दोस्तों अब ये फुल वॉल्यूम पे मैं आपको सुनाता हूँ इसका ऑडियो। तो चलिए दोस्तों, अब मैं इसकी मिड के अंदर आपको वॉल्यूम सुनाता हूँ। मैं बीच में इसकी वॉल्यूम करता हूँ 50% पे। तो दोस्तों आपने क्लियरली यहाँ पर इसकी ऑडियो को सुना 50% वॉल्यूम पे और 100% वॉल्यूम पे। हम लास्ट के अंदर इन तीनों का ही ऑडियो कंपैरिजन करेंगे कि किसका बेस्ट कंपैरिजन है फुल वॉल्यूम पे और मिड वॉल्यूम पे। चलिए अब हम मीवी को साइड करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर वोल्ट की। तो मैं वोल्ट को कनेक्ट करवाता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा वोल्ट के साथ ये कनेक्ट हो चुका है। अब मैं इसके अंदर सॉन्ग प्ले करता हूँ। मैं पहले 100% वॉल्यूम पे आपको सॉन्ग सुनाता हूँ। तो चलिए दोस्तों, हमने यहाँ पर इसकी 100% वॉल्यूम पे इसको सुना। अब हम इसकी 50% वॉल्यूम पे इसको सुनते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं इनको वियर करके दिखा देता हूँ। मैं दिखाता हूँ आपको ये कानों में कितना ज़्यादा स्टडी है या नहीं। तो हम वन बाय वन एक एक को वियर करेंगे। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब मैं इसको वियर करके दिखाता हूँ आपको कि इसका वियरिंग लुक कैसा आता है। तो ये देखिए दोस्तों, इसका कुछ ऐसा वियरिंग लुक है। तो मैं इनको अपने ईयर्स के अंदर प्लग करता हूँ। तो दोस्तों अगर मैं बात करूँ इसके मटेरियल की, तो काफ़ी सॉफ्ट मटेरियल, मुझे कानों में बिल्कुल भी अनईजी नहीं लग रहा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि मैंने कुछ वियर्ड पहना हुआ है या मेरे कानों के अंदर कोई इरिटेशन हो रही है। तो अब मैं जर्क के साथ दिखाता हूँ आपको इसको। तो दोस्तों ये बिल्कुल भी कानों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा स्टडी है। तो ये देखिए, ये इसका यहाँ आपके माउथ के पास इसका स्पीकर रहेगा, तो आप इजीली कन्वर्सेट कर सकते हैं, इजीली बात कर सकते हैं। यहाँ पर ही आपको इसके मैनुअल्स मिल जाएंगे। तो अब मैं बात करता हूँ दोस्तों मीवी की। तो ऐसा कुछ इसका वियरिंग लुक है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं इनको ईयर्स के अंदर प्लग करता हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मैं जेन्युइनली बोलूँ तो ये इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा रनिंग करेंगे तो ये जर्क के साथ बाहर निकल सकता है, क्योंकि मुझे खुद को ऐसा लग रहा है कि
ये कानों के अंदर इतने ज़्यादा स्टडी नहीं है, क्योंकि दोस्तों इसका और इसका इन दोनों का आप देखिए दोस्तों, जो शेप जो बना हुआ है ये शेप ईयर के पूरा डिज़ाइनली बना हुआ है, जबकि मीवी के साथ ऐसा नहीं है दोस्तों। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर बोल्ट ऑडियो कर्व की। तो मैं इसको वियर करता हूँ। वियर करने पे दोस्तों मुझे इसके जो ईयर प्रॉप्स हैं ये काफ़ी स्टडी हैं दोस्तों जेन्युइनली, और काफ़ी लाइट वेट है, इवन वन प्लस से भी काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है जो इनकी फील है, क्योंकि जब मैं इनको कानों में पहन रहा हूँ तो मुझे और भी ज़्यादा ईजी लग रहा है वन प्लस से, बिल्कुल लाइट वेट लग रहा है, बिल्कुल ऐसे लग ही नहीं रहा कि मैंने कोई ईयर पीस पहने हुए हैं। तो ये भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा स्टडी है, ये देखिए ये कुछ इस तरीके की इसकी फील है। चलिए इसको भी बाहर निकालते हैं। तो चलिए दोस्तों हमने तीनों के ही ऑडियो कंपैरिजन को सुन लिया है, अब हम बात करते हैं इनके बेस और इनके ट्रबल की। तो दोस्तों अगर मैं अपना ओपिनियन दूँ तो यहाँ पर जो वन प्लस है इसका अगर अपन 50% वॉल्यूम पे इसके सॉन्ग्स को सुनते हैं तो इसका दोस्तों काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स है, बिल्कुल भी अनईजी नहीं है, आप काफ़ी टाइम तक इसको वियर कर सकते हैं। बट जैसे ही आप इसकी वॉल्यूम को एक्सटेंड करते हैं या बढ़ाते हैं 90-100% पे जाते हैं तो दोस्तों इसका जो बेस है वो बेस इतना अच्छा नहीं है दोस्तों, इसकी जो ऑडियो क्वालिटी है इतनी अच्छी नहीं आएगी। देन हम बात करें दोस्तों मीवी की, तो मीवी का जो ऑडियो है ऑडियो काफ़ी अच्छा क्लियर है दोस्तों, बट इसका जो एंड में जो बेस है हाई वॉल्यूम पे वो बेस इतना अच्छा नहीं है। देन हम बात करें वोल्ट, देन दोस्तों ये एवरेज है, मतलब आप इसको सुन सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल नहीं लगेगा। इसका भी ऑडियो और इसका बेस है वो ऑन एन एवरेज है। तो दोस्तों अगर हम बात करें कनेक्टिविटी की, तो जो हमारा वन प्लस है उसकी कनेक्टिविटी बहुत ईजी है दोस्तों, बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाता है। देन हमारे मीवी और बोल्ट के अंदर थोड़ा टाइम लगता है कनेक्टिविटी में, क्योंकि हमें इसको ऑन करना पड़ता है देन पेयर करवाना पड़ता है, जबकि वन प्लस के साथ ऐसा नहीं। जैसे ही आप इसके टेंगल्स को हटाएंगे आपका जो वन प्लस है वो कनेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ओवरऑल हम बात कर ले तो यहाँ पर सबसे अच्छा जो बेस है वो बेस है हमारा अच्छा वन प्लस का, अगर हम मिड में सुनते हैं। और फिर हम बात करें अगर ऑडियो क्लियरेंस की, तो दोस्तों ऑडियो क्लियरेंस सबसे अच्छा है मीवी का, देन हमारा ऑन एन एवरेज पड़ता है दोस्तों बोल्ट। तो अब आपकी प्रेफरेंस क्या है, अगर आप एक म्यूज़िक लवर हैं तो आप ऑब्वियसली वन प्लस के अंदर जाइए, और अगर आपको सिर्फ ऑडियो चाहिए दोस्तों क्रिस्टल क्लियर तो आप फिर मीवी के अंदर जाइए। तो दैट्स इट गाइस, अगर आपको और भी कोई डाउट है तो आप नीचे जाके मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपको वहाँ जाके रिप्लाई करूँगा। तो मिलते हैं कुछ ऐसी ही अनबॉक्सिंग एंड कंपेरिजन के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, थैंक यू।